मध्य प्रदेश में जारी सियासी ड्रामे के बीच माना जा रहा था कि कमलनाथ सरकार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब हालत फिर बदल गए हैं। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी भेजा है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार तक कुछ और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें विधायक एंदल सिंह कंसाना, रघुराज कंसाना, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, बिसाहूलाल सिंह, गोपाल सिंह और विक्रम सिंह नाती राजा के नाम सियासी गलियारों में खासे चर्चा में हैं। डंग इस समय बेंगलुरु के होटल पाम मेडोज में दो अन्य कांग्रेसी विधायक बिसाहूलाल सिंह और रघुराज कंगासा व निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा के साथ हैं। इनसे पार्टी नेताओं का संपर्क गुरुवार को भी हो सका। हालांकि हालात से निपटने के लिए कांग्रेस ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ने मोर्चा संभाला है। खबर है कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी, शरद कोल के साथ दो अन्य विधायक भी कांग्रेस के दामन थाम सकते हैं। त्रिपाठी और कोल ने गुरुवार रात मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके बंगले पर मिलने गए। इसके बाद पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक संजय पाठक भी सीएम से मिलने बंगले पर पहुंचे। ऐसी अटकलें हैं कि शुक्रवार को भाजपा के कुछ विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा की ओर से हरास ट्रेडिंग में अहम भूमिका निभा रहे संजय पाठक की दो दिन पहले ही आयरन ओर की दो खदानें प्रशासन ने सील कर दी थी। दूसरी तरफ सीएम हाउस में देर रात तक मंत्री तरुण भनोत, जीतू पटवारी, हुकुम सिंह कराड़ा के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ रणनीति बनाते रहे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के दो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट दिल्ली में हैं। प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच जल्द ही कांग्रेस सरकार की बहुमत की परीक्षा भी हो सकती है। पहले विधानसभा और उसके बाद राज्यसभा चुनाव में उसे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें बजट पेश किया जाएगा। पूरी संभावना है कि बजट के दौरान भाजपा वोटिंग की मांग करे। सत्र में भाजपा अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। इसमें भी सरकार की परीक्षा होगी। दोनों ही स्थिति में वोटिंग के दौरान अगर सरकार हार जाती है तो उसे इस्तीफा देना होगा। इसके बाद 26 मार्च को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें भी कांग्रेस सरकार की ताकत की परीक्षा हो सकती है। इसी बीच डंग के इस्तीफे पर बसपा विधायक दल के नेता संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारा स्टैंड हमारी पार्टी तय करेगी। डंग ने किसी बात पर आहत होकर इस्तीफा दिया होगा। मुझे लग रहा है कि 3 विधायक और इस्तीफा देंगे। निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा ने इस्तीफा देने वालों की संख्या 5 बताई है। मैं कोई इस्तीफा नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया। अभी 2 बार मैं आ गया जी, जी। उनसे मिला, मिलके बात करके अभी निकल के जा रहा हूँ। मेरे यहाँ जो तमाम काम है उन कामों की चर्चा किया, बात किया, बात करके जा रहा हूँ। मेरा उस महेश राय जो है बीना का विधायक, उससे मेरा दूर दूर तक किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं है। और ये लोग झूठी भारतीय जनता पार्टी में इधर उधर कैप्चर करने की जो झूठी वाई वाई लूटने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाने का कार्य चल रहा है, उसमें राजगढ़ विधायक का नाम उन्होंने बयान में दावा किया है, तो मुझे आश्चर्य हुआ इस बात पर। फिर मैंने आज पुलिस में मैंने कंप्लेंट भी की। मेरा इस प्रकार से झूठा मेरे नाम का राजगढ़ विधायक, मेरा नाम तो नहीं लिया उसमें, लेकिन राजगढ़ विधायक, तो राजगढ़ विधायक तो मैं हूँ, जनता ने मुझे चुन के भेजा, और कौन हो सकता। मैंने उसमें मैं आपत्ति ली है और मैं कोर्ट का नोटिस। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।